अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी ही। एक बार हम सब मिलकर आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बावाज़े बुलंद से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मौलाना मोहम्मद मैं मदरसा इस्लामिया फर्जंदिया का तालिब इल्म हूँ। मदरसा इस्लामिया फर्जंदिया का गुस्मंजो जब उन मुर्दा दिनों में कोई तस्मस तक नहीं हुआ तब भी आखिर फैसला वही हुआ है नाना जान जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ है बिजर गुजर दुआ है पर सिकर जिस नियत से आपने मेरी परवरिश की थी आज उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ है मादर मेहरबान खातून जन्नत जो समझ कर आपने मुझे दूध पिलाया था आज उसका हक अदा करने जा रहा हूँ नतीजा क्या हुआ खैमे में गए अपने जमाने का अपने नाना का कपड़ा लिया सर पे मामा बांधा अज्जे पे तल होकर दुलदुल पर बैठ कर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान आजाद के हुसैन उतर पड़े एर लगाई घोड़े को नाज है कि ईमान मेरे ऊपर है इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है ईमान मेरे चल पड़े यजीद के लश्कर पर जब हमला किया वार किया तो यजीदियों में इंतजार पैदा हो गया कि है तेरे का चार का शहर अंदर जब डिफर कर जटी ढेरियों पर हमला हो रहा तो पुश्तों के पुश्ते लगा दिए लाशों का ढेर लगा दी भूखा प्यासा हुसैन खाते पीते को काटता हुआ चला जा रहा है तलवार चमकी हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के बाजू में क्या हुसैन के तना हाथ में एक अकेली तलवार है ऐसा लगता था कि आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो ऐसा लगता था कि सितारा ने अपनी जगह छोड़कर ज़ुल्फ़िकार की धार में समा गई है ऐसा लगता था कि आतंक का हाथ धो के लिए उठ गया है ऐसा लगता था कि कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है ऐसा लगता था कि दरिया नील में फिरौन गर्क हो रहा है यजीदी तबाह रहे अकीदतों का काबा अकीदतों का किबला के खड़ा हुआ काबा मुतहर काबे को देख रहा है एक जमा हुआ काबा मुतहर काबे को देख रहा है अकीदतों का काबा अकीदतों का किबला के यजीदियों के मुकाबले में खराब तलवार चला रहा है ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में है दरे करार का बाजू समा गया है ऐसा लगता था कि फातिमा जहरा का दूध हुसैन के रगों में नया खून बन गया हो ऐसा लगता था कि तमाम अजिन्ना इंतजार दे रहे इजाजे सुदा दे रहे और एक ही काम में फरिश्तों की आमीन शामिल सी हो गई हो ऐसा लगता था कि सदाकसी बन गई है ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे जगा दिए ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन ने जुर्रत मूसा भी है इस्तकामत इब्राहिम भी है इरादा इस्माइल भी है उस वक्त सामने शैतान था इस्माइल का इरादा बा था उस वक्त यजीदी फौज है हुसैन का इरादा बा है तरवाल चलती रही पुश्तों के पुश्ते लगते रहे लाशों के ढेर लगा लिए अब उस तरवाल को रोका कैसे जाए वो तरवाल यजीदी नुक्ते नजर से रुकना बहुत जरूरी था वो तरवाल रुकेगी तो यजीदी बचेंगे जाती ढेरियों को काटते थे जैसे कि कोई गाजर मूली को काट रहा हो मैं मना पर हमलावर हुआ तो मैं मना साफ हो गया सेरे खत्म महसरे के तरफ रुक करता है तब महसरा साफ हो गया यजीद के कलब पर हमला करता है तो लश्कर का कलब साफ हो जाता है अब हर एक परेशानी इमने साद इमने जियाद परेशान हो गए सिमर सिजोसन हैरान हो गया खोली मायूस हो गया या ना ये क्या है एक ही आदमी सबकी गर्दन काटता चला जाए कि एक ऐसी तारीख ना बन जाए कितना एक आदमी ने 20,000 की लश्कर जरार दे दियो इस तरवाल को रुकना चाहिए इस तरवाल को रुकनी चाहिए मगर ये तरवाल रुकेगी कैसे वो तरवाल जिसे भूख ना रोक सके वो तरवाल जिसे प्यास ना रोक सके वो तरवाल जिसे जाना हुआ सकीना के मारी जावे खत्म में जाने का अंदेशा ना रोक सका वो तरवाल जो तरवाल लूटी हुई अली अकबर की जबानी ना रोके वो तरवाल जो तरवाल लूटा हुआ कासिम का सवाब ना रोके वो तरवाल जिसे अब्बास अलम पर तार के कटे हुए बाजू ना रोक सके उस तरवाल को कोई रोक नहीं सकता जो तरवाल छोटा बच्चा शिखर बच्चा अली अकबर की मौत ना रोक सके उस तरवाल को कोई रोक नहीं सकता जमीन भी ताई में है आसमान भी ऐब में है फिजा मददगार है उस तरवाल को कोई रोक नहीं सकता जो तरवाल भूख से निड़की
प्यासे लड़की कतर से नहीं रखी, वो तरवाला अचानक रुक गई।